माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का यही हम लोगों का एजेंडा है। कल मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा जोर देना है। देखिए, जो योगी जी और मोदी जी जो सोचते हैं, हम लोग उनके एक टीम के सदस्य हैं योगी जी का, उसके अनुरूप जनता के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाने का। परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ये विभागों के बंटवारे के लिए कोई मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं है, योगी जी का अधिकार है, वो जिसको जो विभाग देंगे उसको लेकर के बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरांश पालन करेंगे। और मंत्रिमंडल का पिछली बार ऋण माफ किया गया था, किसानों का ऋण पिछली बार माफ किया। देखिए, पिछली बार जो हम लोग की जो संकल्प पत्र था उस पर जितनी संकल्प में ये थी उसको 100% पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था, और इस बार भी जो भी योगी जी ने निर्णय किया है उसको 100% हम लोग पालन करेंगे। कहा जा रहा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, टारगेट तय किया जाएगा मंत्रियों का, छह महीने में क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, परफॉर्मेंस होना ही चाहिए भाई, इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें हम सब मंत्री बन के आए हैं, हम लोग अपनी अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर वन प्रदेश। पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले होते हैं, आपको उम्मीद है कि आज कुछ वायदे किए गए थे चुनाव में, कुछ उस पर बात मिला आपको, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, तभी मैं इस मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को इस पर आमंत्रित किया गया। तो माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का यही हम लोगों का एजेंडा है। कल मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा जोर देना है। देखिए, जो योगी जी और मोदी जी जो सोचते हैं, हम लोग उनके एक टीम के सदस्य हैं योगी जी का, उसके अनुरूप जनता के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाने का। परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ये विभागों के बंटवारे के लिए कोई मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं है, योगी जी का अधिकार है, वो जिसको जो विभाग देंगे उसको लेकर के बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरांश पालन करेंगे। और मंत्रिमंडल का पिछली बार ऋण माफ किया गया था, किसानों का ऋण पिछली बार माफ किया। देखिए, पिछली बार जो हम लोग की जो संकल्प पत्र था उस पर जितनी संकल्प में ये थी उसको 100% पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था, और इस बार भी जो भी योगी जी ने निर्णय किया है उसको 100% हम लोग पालन करेंगे। कहा जा रहा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, टारगेट तय किया जाएगा मंत्रियों का, छह महीने में क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, परफॉर्मेंस होना ही चाहिए भाई, इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें हम सब मंत्री बन के आए हैं, हम लोग अपनी अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर वन प्रदेश। पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले होते हैं, आपको उम्मीद है कि आज कुछ वायदे किए गए थे चुनाव में, कुछ उस पर बात मिला आपको, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, तभी मैं इस मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को इस पर आमंत्रित किया गया। बहुत धन्यवाद। तो